प्रणाम गुरुदेव। आपका मंगल हो राजन। आज बिना किसी पूर्व सूचना के आपका आगमन। गुरुदेव, हमारे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं और उन्हीं प्रश्नों के समाधान हेतु हम आपके पास आए हैं गुरुदेव। आइए। राजन, क्या प्रश्न है आपके? गुरुदेव, हम अभी तक संतान सुख से वंचित हैं। उत्तराधिकारी के अभाव में राज्य का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। राजन, जीवन के समस्त घटनाक्रम कार्य कारण संबंधों से परस्पर जुड़े हुए हैं। जो कुछ कर्म हम पिछले जन्मों में करके आए हैं या अभी कर रहे हैं, वे ही कालांतर में प्रतिफलित होते हैं। राजन, ग्रहों के दूषित प्रभाव के कारण भी आपके जीवन में संतान का अभाव स्पष्ट दिख रहा है। किंतु गुरुदेव, ग्रहों के प्रभाव को निरस्त करने के भी तो उपाय हैं। कुछ धार्मिक अनुष्ठान ग्रह शांति में सहायक हो सकते हैं। यदि धर्म कृत्यों के प्रभाव से आपके यहाँ संतान हो भी जाए तो वह माता पिता के लिए, विशेषकर रानी जी के लिए घोर कष्टों का कारण बन जाए। गुरुदेव, आप तो सदा से ही हमारे परिवार के शुभचिंतक रहे हैं। अब आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे इस राज्य को उसका उत्तराधिकारी मिल जाए। मैं बड़े से बड़े कष्ट सहने के लिए तैयार हूँ। अब आप दोनों पति पत्नी भगवान श्री गणेश की आराधना करें। संभव है उनकी कृपा से आपको लाभ प्राप्त हो जाए। जो आज्ञा करोगे। कुल गुरु के आदेशानुसार राजा भीम पत्नी सहित राजधानी लौट आए और भगवान गणेश की आराधना में लीन हो गए। दिन, पक्ष, मास करके कई वर्ष बीत गए। कालांतर में रानी गर्भवती हुई तो राज महलों में खुशी की लहर दौड़ गई। रानी का प्रसव काल आ उपस्थित हुआ। रानी ने एक बालक को जन्म दिया, किंतु जन्म के साथ ही बालक में जो आवश्यक लक्षण दिखने चाहिए वो दिखाई नहीं दिए। ये देखकर ताई को बड़ी परेशानी हुई। उसने बालक को हिला डुलाकर परीक्षा ली, किंतु बालक की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जब रानी को महसूस हुआ कि उसका बच्चा कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो रानी को मन ही मन बड़ा खेद हुआ। अपने नवजात शिशु की स्थिति देखकर रानी ने अपनी प्रधान सेविका को बुलाया। प्रणाम महारानी जी, आपने मुझे बुलाया। हमें तुमसे बहुत आवश्यक कार्य है, परंतु ध्यान रहे, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त किसी और को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। आप निश्चिंत रहे महारानी जी। बात ऐसी है कि हमारा नवजात शिशु अभी अस्वस्थ है और हम नहीं चाहते कि इसके स्वस्थ होने तक कोई भी यहाँ आए। स्वयं महाराज भी बालक का मुंह ना देखे। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तुम इसी समय राज ज्योतिष के पास जाओ और उन्हें हमारा संदेशा दो। जो आज्ञा महारानी जी।
महाराज भीम की जय। 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 ज्योतिषी राज जी महाराज, हमारे नवजात पुत्र की ग्रह गोचर की समीक्षा करते हुए उनकी जीवन कुंडली बताने की कृपा करें। अवश्य। राजन, बालक के बारे में आपका प्रश्न पूछना उपयुक्त है, किंतु किंतु क्या ज्योतिषराज? मेरा आपको एक परामर्श है। इस समय आप बालक के भविष्य के बारे में कुछ भी ना पूछें। इतना ही नहीं, बालक और रानी के पास आप प्रधान सेविका के अतिरिक्त किसी को ना भेजें। क्या हम स्वयं अपने पुत्र को नहीं देख सकते? हाँ राजन, कम से कम 6 महीने तक आप रानी और बालक से दूर रहें, वो आपके और इनके दोनों के लिए हितकर होगा। जो आज्ञा ज्योतिष राज। अच्छा राजन, मुझे अब आज्ञा दें। रानी ने अपनी प्रधान सेविका और राज ज्योतिषी के माध्यम से ये व्यवस्था कर ली कि राजा भीम उस बालक को ना देख सके। इस तरह 6 माह बीत गए और 6 माह के बीतते ही अपने पुत्र के वियोग में वंचित राजा ने अचानक रानी के कक्ष में जाने का निर्णय किया। रानी, कहाँ है मेरा पुत्र, हमारा उत्तराधिकारी, जिसकी एक झलक के लिए हम 6 माह तक तरसे हैं? रानी, ये हम क्या देख रहे हैं? आपने हमें हमारे पुत्र की स्थिति के बारे में सूचना क्यों नहीं दी? क्या सूचना देती स्वामी? यही कि आपका पुत्र गूंगा एवं अपाहिज है। क्या ये बात जानकर आपको दुख नहीं होता? दुख तो अवश्य होता रहा। यदि आपने हमें सूचना दी होती तो हम इसकी उत्तम चिकित्सा की व्यवस्था अवश्य करते। मैंने बहवश ही आपसे ये सूचना नहीं दी। और जहां तक चिकित्सा की बात है तो वो तो हम अभी प्रारंभ कर सकते हैं ना? राजन, मैंने पहले ही बताया था। यदि धर्म कृत्यों के प्रभाव से आपके यहां संतान हो भी जाए तो माता पिता के लिए, खासकर रानी जी के लिए, वो घोर कष्ट का कारण है। गुरुदेव, ये बालक जन्म नहीं लेता तो उत्तम था। मैंने आपके दिशा निर्देश पर ध्यान ना देकर बहुत घोर भूल की। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रारब्ध के दोष नष्ट हो जाए और मेरा बालक फिर से स्वस्थ हो जाए। एक उपाय है। कृपया बताइए क्या उपाय है। तीर्थ स्थलों में विशेष धार्मिक ऊर्जा होती है। तीर्थ स्थलों में
कई पुण्यात्मा तपस्वी निवास करते हैं जिनके स्पर्श मात्र से भारी दुर्योग भी समाप्त हो जाते हैं। अर्थात रानी को अपने पुत्र सहित तीर्थ यात्रा पर भेजते हैं। यदि रानी तीर्थाटन करेगी तो संभव है कि आपका पुत्र भी स्वस्थ हो जाए। पर ध्यान रहे, रानी के साथ कोई सेवक सेविकाएं न हो। उन्हें यह तीर्थ यात्रा अकेले ही एक साधारण स्त्री के रूप में करनी पड़ेगी। और हाँ, उनके पीछे उनका समाचार लेने का प्रयत्न भी मत कीजिएगा। रानी को अकेले रुग्ण बालक के साथ? राजन, बड़े कार्यों को सिद्ध करने के लिए बड़े बड़े कष्ट उठाने ही पड़ते हैं। मुझे जो रास्ता सुझा वो मैंने आपको बता दिया, अब आप जो चाहें करें। चलो प्रिय। नहीं स्वामी, आप इस महल के बाहर मत जाइए। ये तीर्थ यात्रा मुझे अकेले ही तय करनी होगी। ऐसा विधान गुरुजी का है। विधना के चलता कोई उपाय, महलवासी रानी भी पग पग ठोकर खाए। कैसी क्रूर नियति है, महलों में रहने वाली रानी पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये कैसी विचित्र लीला है विधाता की। पार्वती, मनुष्यों के कर्म भोग चक्र उनको विविध घटनाक्रमों में भ्रमण कराते रहते हैं, और तुम जिस रानी की बात कर रही हो उसका रहस्य तो तुम्हारे पुत्र गणेश भली भांति जानते हैं। तुम इन्हीं से पूछ लो। पुत्र गणेश, रानी कई कष्टों में घिरी है, इसका क्या रहस्य है? माते, इसमें कोई रहस्य नहीं है। ये रानी पिछले जन्म में बल्लाल की माँ इंदुमती थी, और वो बालक? वो बालक कल्याण ही है जो अपने शेष रहे कर्म भोग चक्र को भोगने के लिए जन्मा है। पार्वती, गणेश सत्य कह रहा है। चाहे जो भी हो स्वामी, पुत्र मैं तो केवल इतना चाहती हूं कि रानी के कष्ट शीघ्र ही दूर हो जाए और वो बालक भी शीघ्र ही ठीक हो जाए। आप कुछ काल के लिए धैर्य धारण करें। रानी और उसके पुत्रों के दूषित कर्मों का क्षय होते ही उनके शुभ दिनों का प्रारंभ हो जाएगा। मैं स्वयं जाकर उनकी सहायता करूंगा और उन्हें उच्च स्थान प्रदान करूंगा। अपनी नियति की मारी राज महलों से निर्वासित रानी अनेक कष्ट उठाती हुई एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ का भ्रमण कर रही है, लेकिन अभी तक उसके बालक की स्थिति ज्यों की त्यों है। व्रत करे तीरथ करे निज सुख चैन गवा, माँ बेटे के वा
पत्नी पुत्र वियोग की सही न जाए पीर आ कौन है तू? कहां से आ रही हो और कहां जा रही हो? मैं इस बीमार बच्चे की माँ हूँ। सुना है कि तीर्थ यात्रा करने से बड़े बड़े कष्ट भी दूर हो जाते। इसी कामना से मैं तीर्थ यात्रा करने निकली हूँ। अरे तीर्थों की यात्रा करने से अगर बीमारियां दूर होती तो इतने सारे वैद और औषधालय कभी के लुप्त हो चुके थे। देखो चुपचाप तुम्हारे पास जो भी वस्तु है हमें दे दो, अन्यथा हम बलपूर्वक छीन लेंगे। देखो भाइयों, मैं अकेली स्त्री घर से थोड़ा ही धन लेकर निकली थी, अब उसमें से कुछ ही धन बचा है, और अगर वो भी आप लोग ले लेंगे तो मैं आगे की यात्रा कैसे करूंगी? हमें व्यर्थ की बातें नहीं सुननी। लो। नहीं। नजर दी। ये क्या छुपा रही है? ये मैं नहीं दे सकती, ये मेरे पति के सुहाग की निशानी है। बड़ी आई सुहाग की बातें करने वाली। अरे जिसका तूने ये मंगलसूत्र पहना है ना, वही तुम्हें छोड़ के चला गया। हेलो, अब मैं आगे की यात्रा कैसे पूरी करूंगी? मेरे पास तो कुछ भी धन नहीं बचा, क्या खिलाऊंगी इसे? अगर मेरे पति देव होते तो ये डाकू तो क्या किसी राज्य की सेना भी मेरा कुछ अहित नहीं कर पाती। राजा के उत्तराधिकारी की लालसा में ये मैंने क्या संकट मोल ले लिया।